हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाली कल्याण ज्वेलर्स कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे आपको बाय करना, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेबल लेना है, लाइक और सारी चीज़ों की बात करेंगे अच्छी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात की जाए, सो काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आज ये स्टॉक जो है बाइंग किया गया है, इंट्राडे किया गया है। आज ही के दिन अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम थी आज के दिन। एंड भाई, अगर स्टॉक की क्लोजिंग की बात की जाए, लाइक 119.50 के आसपास का क्लोजिंग हुआ है। ओवरऑल 10% का मोमेंटम दिया आज ही के दिन। एंड पर शेयर के पीछे कितना 10.55 रुपीज़ का इसने रिटर्न दिया है। सो अगर आपके पास, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, अगर आपके पास 40 शेयर भी रहेंगे अगर आपके पास 40 शेयर रहते हैं, मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ भी करो, सो ओवरऑल आपको 400 का प्रॉफिट हो जाएगा। वही अगर आपके पास 200 शेयर अगर रहेंगे आपके पास, सो डेफिनेटली आपको 2000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा आज ही के दिन। इंट्राडे जिसने भी किया रहेगा, बाकी जिसने इक्विटी में होल्डिंग किया रहेगा, डेफिनेटली उसको रिटर्न मिला रहेगा। बिकॉज ये जो स्टॉक कि आप इसको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल जितने भी स्टॉक सेफ थी, कुछ कुछ जो होते हैं वो ऑप्शंस वाले होते हैं, बाकी सब इंट्राडे इक्विटी में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग करके आप इसमें लाइक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात की जाए, इसमें जो है वीकली ब्रेकआउट मिला है। ओवरऑल देखा जाए, सो लास्ट के 3 वीक्स का इसके इसने जो है हाई तोड़ दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो सो अच्छा खासा से मोमेंटम आया है। सो आपको कल के दिन की आपको इसमें बाइंग एंट्री आपको बता देती हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। यस, आई थिंक सबको पूरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। सो यहाँ पे 119.50 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। सो आपको जो बाइंग एंट्री बनानी है, आपको जो येलो लाइन दिख रही है ना, लाइक 122 का, सो यहाँ पे आपको एंट्री लेवल बनानी है। टारगेट कितना रखना है, 125 का, मीन्स 3 रुपये का आपको टारगेट रखना है। अगर 3 रुपये भी इंट्राडे में या फिर स्टॉक में मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको होल्डिंग करते हो तो। बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म लाइक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इसको होल्डिंग करना चाहते हो, सो लाइक 140 तक का लेवल पकड़िए, 140 तक इसके जाने के चांसेस हैं। ओके, सो आप इसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग कर सकते हो, बट अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको होल्डिंग कीजिएगा। वही अगर यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात की जाए, तो आपको सपोर्ट जो 117 का लेना है। बिकॉज यहाँ से स्टॉक क्या अब गया है, यहाँ से स्टॉक जब भी गिरता है ना स्टॉक यहाँ से, सो डायरेक्टली ये जो है 100 मीन्स 100 रुपीज़ तक, जितना लास्ट ये 108 तक इसने सपोर्ट लिया है। मेन मुझे जो सपोर्ट देना था, बट मुझे लाइक ये सपोर्ट मुझे कौन सा 105 का मुझे ये आपको सपोर्ट लेवल देना था, बट लाइक बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको जो इंट्राडे करते हैं, बाकी जिसको शॉर्ट टर्म में होल्डिंग करना है, सो आप एक 170 का इसका सपोर्ट पकड़िए। जैसे लेवल तोड़ेगा, सो डेफिनेटली ये है 108 तक इसके आने के चांसेस हैं। ओके, सो तीनों ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।